दुआ के लिए कब तक फिक्रमंद रहेंगे ताई? जब तक वो अपनी जिंदगी में खुशबाश हंसती मुस्कुराती नजर नहीं आती। हम दोनों ट्विन्स हैं। मैं उससे 5 मिनट पहले पैदा हुआ था। अम्मा तो कहती हैं कि जितना फिक्रमंद और हसास मैं दुआ को लेकर हूँ, शायद दुनिया में भी 5 मिनट पहले यही देखने आया था कि हालात साजगार हैं कि नहीं। मेरे लिए तो बहुत मसला है ताई। यहाँ रहती हूँ तो आपको और अम्मा अब्बा को फिक्रमंद देखती हूँ, अपने मायके जाती हूँ तो तब तक भाई का उदास चेहरा और खोई हुई नजरें मुझे मुस्तरब रखती हैं। मेरे माँ बाप की खामोशी मुझसे सवाल करती है कि मैं क्यों अपने भाई का दुख संभाल नहीं पाती। आप मुझे बताए ताई, क्या करूँ? सके के बाद में अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि वो अर्तकी के हवाले से कोई भी बात अपनी जुबान पे ला सको। मसला सिर्फ दुआ का नहीं है ताई, बात यह है कि तकी भाई भी अभी तक अपने दिल से दुआ को बुलाने में नाकाम रहे हैं। अगर आज मैं ये बात दोबारा कर रही हूं तो मैं आप लोगों पर एहसान नहीं कर रही, इसमें मेरा ही गर्ज पोशीदा है, क्योंकि मैं समझ गई हूं सिर्फ दुआ ही वो लड़की है जो तकी भाई की खोई हुई आंखों की रोशनी और होंठों की गुमशुदा मुस्कुराहट वापस ला सकती है। तभी अगर तुम ऐसा कर लो ना तो मैं जिंदगी भर तुम्हारे एहसान का मकरूज समझूंगा अपने आप को। मुझे तो आपकी मोहब्बत और अम्मा अब्बा का एतमाद दरकार है। जिस तरह आपको दुआ का खुश और आबाद रहना मायने रखता है, बिल्कुल वैसे मुझे भी मेरे वालदैन का सुकून और भाई की खुशियां चाहिए। सिर्फ अगर दुआ राजी हो जाए तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं अपने वालदैन को आमादा कर लूंगी, लेकिन दुआ को तकी भाई से शादी पर आमादा करना बेहद मुश्किल है। मैं समझ गया हूँ ताबीर, दुआ को कैसे आमादा करना है मैं समझ गया हूँ। अब तू इनकार नहीं करेगी, तुम सिर्फ तकी और अपने वालदेन से बात करो।